अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपना आर्ट लेसन का बाकायदा फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। तो इस वीक के लिए जो हमारे टॉपिक्स थे वो था कंपोजिशन एंड इफेक्टिव यूज ऑफ पेपर एंड शीट, मेजरमेंट, स्केल अप एंड स्केल डाउन ऑब्जेक्ट, एंड ड्राइंग अपेक ऑब्जेक्ट्स ऑन पेपर एंड शेडिंग एंड पर्सपेक्टिव ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स। सो इस सिलसिले में सबसे पहले हम मेजरमेंट्स, कॉम्पोजिशंस एंड इफेक्टिव यूज ऑफ पेपर डिस्कस करेंगे। अगर आप देख सकते हैं तो इस बैकग्राउंड में मैंने एक स्टिल लाइफ अपने रूम में सजाने की कोशिश की है, एंड आई एम सिटिंग एट अ लिटिल डिस्टेंस। सो जब भी आप ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो आई सजेस्ट के इंस्टेड ऑफ कॉपिंग फ्रॉम फोटोग्राफ्स यू शुड अरेंज योर ऑन स्टिल लाइफ एंड कोई भी ऑब्जेक्ट एटलीस्ट टू से थ्री मीटर की डिस्टेंस पे रखें, आप उसकी ड्राइंग स्टार्ट करें मेजरमेंट्स के लिए, और उसकी इससे आपको उसकी लाइट और उसके एंगल्स भी पता चलेंगे। अगर आप देख सकते हैं तो ये मैंने इसके ऊपर स्पॉटलाइट लगाई है लैंप के साथ, ताकि डार्क्स एंड शेड्स इसके जो है ना वो ज़्यादा विजिबल हों। सो इस सिलसिले का जो पहला लेसन है दैट्स अबाउट प्लेसमेंट ऑफ पेपर। आप देख सकते हैं ये मैंने अपनी ड्राइंग बुक जो पहले पिछले ओरिएंटेशन लेसन में मैंने आपसे इंट्रोड्यूस करवाई थी, सो आई पुट इट अप ऑन एन ईजल, और इस ईजल पे जो है मैं इस आपको इसका इफेक्टिव यूज़ बताऊंगी। अब इफ़ यू सी, ये ड्राइंग जो है मैंने वर्टिकल पोजिशन में रखी हुई है अपनी ड्राइंग पेपर और शीट। अब कॉम्पोजिशन का फर्स्ट रूल है कि आप जो चीज़ बनाना चाह रहे हैं उसको देखें कि आइदर इट गोज हॉरिजॉन्टल, अगर ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल स्पेस में ज़्यादा है तो आपकी ड्राइंग जो है वो हॉरिजॉन्टल होगी और आप पेपर जो है वो उसको हॉरिजॉन्टल प्लेस करेंगे। अगर आपके ऑब्जेक्ट्स में वर्टिकल लेंथ ज़्यादा है, मीन जैसे आप ये देख रहे हैं मैंने एक बॉटल रखी हुई है, तो वर्टिकल स्पेस ज़्यादा है तो आप उसको इस तरह वर्टिकल रखेंगे। तो ये चीज़ आपने देखनी है जो आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं, आइदर इट विल गो टूवर्ड्स द लैंडस्केप और पोर्ट्रेट साइड। अब ये जो वर्टिकल पोजीशन है इसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल इसी शीट को प्लेस करें तो ये इनको लैंडस्केप मोड भी कहते हैं। आपने देखा होगा कंप्यूटर में भी जो फोटोग्राफ्स होती हैं वो लैंडस्केप या प्रिंट आप लेते हैं तो लैंडस्केप और या फिर पोर्ट्रेट जो है वर्जन में होती हैं, तो सेम इज़ द केस विद दिस। अब इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ पेपर में जो सबसे पहले बात आती है, आपने देखना है सबसे पहले जो है एक मिडल लाइन लगाते हैं। अमूमन जो लोग एक्सपर्ट्स होते हैं वो इन रूल्स से इनको इतने आ चुके होते हैं कि ये को बार बार रिपीट नहीं करते। मैं इसीलिए एक स्केल ये आपके सामने इसके साथ रखा हुआ है, इससे मैं आपको सीधी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगी। आप फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम पहला लेसन कर रहे हैं तो इसलिए मैं ये सीधी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इन द मिडल ऑफ माई शीट। अब एटलीस्ट एक इंच छोड़ के इसके साइड पे एक और वर्टिकल लाइन मैंने लगा दी, और सेम इज द केस विद दिस साइड। कॉम्पोजिशन में ये चीज़ देखी जाती है, जब आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें जो किसी सरफेस के ऊपर प्लेस किया गया हो, तो उसमें हम हमेशा ऊपर ज़्यादा स्पेस छोड़ते हैं और नीचे कम स्पेस छोड़ते हैं। अब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मैं अगर 3 इंच का गैप छोड़ रही हूँ, यहाँ पे एक लाइन लगा ली, तो यहाँ पे मैं एटलीस्ट 4 इंच छोड़ूंगी। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपनी ड्राइंग कहाँ ख़त्म करना चाह रहे हैं। सो दिस विल बी, अब यहाँ से इसमें मैंने 3 इंच छोड़ा है, ऊपर से 4 इंच छोड़ा है, या आप डिपेंड्स कि थोड़ा ज़्यादा लंबा हो तो आप यहाँ से 3.5, लेकिन अमूमन ये स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए नीचे वाले से, तो ये आपका एक वर्किंग एरिया आ गया।
आपकी पेंटिंग इस पेपर के साइज के मुताबिक विद इन दिस वर्किंग एरिया कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर ये इससे बड़ी बनेंगी ऑब्जेक्ट्स तो भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगा, या आप छोटे से पूरा पेपर जाएगा कि मिडल में ड्रॉ करेंगे तो भी आपकी जो है पेपर वो साइड से डिस्प्रोपोर्शनेट आपकी ड्राइंग लगेगी, वो बैलेंस्ड या कंपोज्ड ड्राइंग नहीं होगी। सो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कंपोजिशन का रूल, कि आप जब भी ड्रॉ करने लगें आप इस किस्म की लाइंस या तो अंदाजन लगा लें या शुरू शुरू में रूलर रखे भी, और ये हल्की लाइंस हों क्योंकि ये बाद में रेज हो जाएंगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्लेसमेंट के अंदाजे के लिए जो है वो बनाई जाती हैं। इसके बाद में आपको जो है हमारा दूसरा पार्ट है कंपोजिशन का, वो बताऊंगी, वो है मेजरमेंट स्केलिंग अप एंड स्केलिंग डाउन ऑफ द